छत्तीसगढ़ नक्सल संप्रक्त दुई युवक को कोर्ट फरवर्ड नवरंगपुर जिला रायगढ़ पुलिस नवरंगपुर पठाई जानापर लोक कहवा अनुजाई से गत काली जंगल में सियाली दौड़ी आणवाक जाए पुलिस से उठाई नहीं किंतु यही दुई युवक दुईज संपर्क में किसी जाणी ना प्रकाश करते कि आज जानवाक छत्तीसगढ़ अंचल गरियाबंद जिलार दसगोटी पंचायतवासी 800 रु ऊर्ध 25 रु 30 गाड़ी करी आसुवा बेले रायगढ़ पुलिस से मानक खबर पाई अधा रास्त अटकई पुलिस उठाई आनी युवक दुईज को कोर्ट चालान कर काम है। कहाँ से? हम लोग छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर मैनपुर ब्लॉक गरियाबंद जिला से आए हैं, जो कि हमारी 26 तारीख को कुछ फायरिंग हुआ। उस दौरान इधर बीएसपी सीआरपी के जवान हमारे दो बच्चों को इधर लाए हैं। अब आपका क्या विचार है, अब क्या करना चाहते हैं? अब हमारा विचार यह है सर कि हम तो उनको लेके जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे या ऑफिस के पास बैठ करके, क्योंकि इनको गलत झूठे मुकदमा से इसको फंसाया गया है। और जो कि हम गांव के आदमी एक जंगल में चार चिरौंजी तेंदू के लिए जाते हैं और उनको झूठे केस से ही आप धारणा जो करेंगे बोले कहां पे करने का विचार है? मैंने काटिंग बनाया था। मैं पंचायत ग्राम पंचायत साइबिंग कछार है और जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। मैं किसान मजदूर संघर्ष समिति उदंती सीता नदी राजापड़ा क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। आज इतने जो आए हैं यहाँ पे, क्या हुआ एक्चुअली? घटना क्या है? एक्चुअली घटना ये हुआ कि हम हमेशा जंगल से आश्रित रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो जंगल का है और नवरी सीमा से उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर नक्सल मूवमेंट का भी खतरा बना रहता है और साथ में फोर्सों का भी आना जाने का रास्ता बना हुआ है। हम तो दोनों से ही भयभीत रहते हैं, नक्सली से भी भयभीत रहते हैं, फोर्सों से भी भयभीत रहते हैं, ताकि दोनों के पास हथियार है। अगर हम जो जंगल के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी सब जंगल में है, हम तेंदू के लिए चार के लिए महुआ जो भी इत्यादि के लिए जाते हैं, तो हमको एक भय बना रहता है न जाने नक्सली भी ले जाएगा या फिर फोर्स भी ले जाएगा। लेकिन बुधवार 26 तारीख को जो घटना हुआ है अपने ग्राम साहिबिन कछार में, ताकि ये मोती पानी का नंदलाल नागे हेमलाल नागेश एवं बुधबेड़ा का प्रकाश मरकाम जो है ना, अपने तेंदुपत्ता का सीजन है तो रस्सी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उसी समय कुछ दूरी पर जो है ना अपना जो स्पेशल फोर्स अपन नवरंगपुर वाले के साथ में माओवादी का साथ मुठभेड़ हुआ या फायरिंग जो भी हुआ होगा, लेकिन उसी के बाद दो तीन घंटे के बाद में दोनों लोगों को जंगल से अपने जो फोर्स उठा के ले आए थे, इसमें हमारे ग्राम साहिबिन कछार के 12 लोग भी देखा गया था। उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट भी किया गया था, कपड़े उतार के भी मारपीट किए। उसके बावजूद भी हम आए और दूसरे दिन फुटानाड़ा का कैंप का घेराव किया और रायगढ़ थाना का भी घेराव किए। लेकिन हम उस स्तरीय अधिकारी तक संपर्क करने के बाद में हमारे लोगों को हम नहीं जानते हैं, हम नहीं लाए हैं करके झूठ बोल बोल के आज 6 दिन हो गया। लेकिन आज 6वां दिन में हम केवल अपना जो नवरंगपुर एसपी का ऑफिस को घेराव करने के लिए लगभग 10-12 पंचायत से आए हुए हैं, कम से कम लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो चुके थे। लेकिन अभी अभी ये खबर आ रहा है कि हमारे जो दो लोग हैं ग्रामीण लोग हैं, उनको नक्सली सोहगी बता करके अपने जो उड़ीसा के और अपना उमरकोट का जेल में रखा हुआ है। आपको कब पता चला? आप डिस्कशन किए कि एसपी के साथ, पुलिस वाले के साथ? डिस्कशन तो अपना जो अपना क्षेत्रीय जो पुलिस स्टेशन है अपना जो रायगढ़ के साथ में डिस्कशन हुआ, अपना एक टीम भी अपना जो नवरंगपुर जाके एसपी ऑफिस में डिस्कस कर किए थे, लेकिन एसपी साहब नहीं थे तो उन लोग बोले कि आप सोमवार मंगल तक के आ जाना दो चार आदमी, उसके बाद आपका जो आदमी है पता चल जाएगा। लेकिन पहले तो एसपी साहब ये बोले कि हम स्टाफ में भी लिख के देंगे, लेकिन तुम्हारे लोगों को हम नहीं लाए हैं, इसलिए हमको एक भय बना रहा कि कल के दिन में इन लोग मार भी दिए होंगे या कहीं फेंक भी दिया होगा, इसलिए पता करने आज आए हुए थे। लेकिन आज ये पता चला रायगढ़ के जैसे नज़दीक पहुँचते पहुँचते हमारी टीम को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, हमारे जो आंदोलन को रोका गया और ये कहा गया कि तुम्हारा जो दो ग्रामीण है उसको जेल हो गया है। इसमें 121, 122 जो भी है। नवरंगपुर ललित सिन्हा की रिपोर्ट, अभियान समाचार। कार्रवाई किया जा रहा है।